Alright, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे OnePlus की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि OnePlus Nord 4 कब इंडिया में लॉन्च हो रहा है, OnePlus Nord 4 के बारे में हमको जानकारी दो। सो हियर वी आर विथ ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट OnePlus Nord 4। ये जो स्मार्टफोन है मल्टीपल सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, कल परसों में ये Geekbench पर भी लिस्ट हो गया है। फोन के लगभग सारे स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी क्लियर है। इंडिया में आएगा तो जैसा ग्लोबल वेरियंट रहेगा, जैसा चाइना वेरिएंट है, वैसा का वैसा आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बात करते हैं OnePlus Nord 4 से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। क्या स्पेसिफिकेशंस आपको मिलने वाले हैं, क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या माल मसाला रहेगा, क्या प्राइस पॉइंट हो सकता है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड गाइस ऐसे ही कंटेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं फोन के बारे में, स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन आपको सॉलिड मिलेगा भाई, फुल ग्लास बिल्ड रहेगा, ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक, प्लास्टिक का यहाँ पर आपको फ्रेम देखने के लिए मिलेगा। IP65 की आपको रेटिंग दी जाएगी, तो डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्लिम फोन है, 200 ग्राम्स के आसपास फोन का वेट रहेगा, तो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। वैसे भी OnePlus Nord सीरीज की जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी ही होती है, तो बिल्ड में आपको शिकायत नहीं आएगी। डिजाइन की अगर बात करें, डिजाइन को इंप्रूव किया गया है भाई साहब, वो बड़ा सा जो सर्कुलर कटआउट मिलता था उसको हटा दिया गया है। नाउ यहां पर आपको बहुत ही पतला सा स्लिम सा कैप्सूल शेप कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर दो कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही एलईडी फ्लैश मिलता है, OnePlus का लोगो आपको मिलता है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे सेंटर पंचोल आपको दिया गया है, पतले पतले से बेजल्स हैं, पतली सी चिन आपको मिलती है। एंड कलर्स की अगर बात करें तो पर्पल कलर में एंड ग्रे कलर में, दो कलर्स में आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। गुड लुकिंग स्मार्टफोन है भाई, गुड लुकिंग स्मार्टफोन है, एलिगेंट लगता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड एंड डिजाइन में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, 6.78 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले दिया गया भाई साहब इस बार, मतलब इन हैंड फील जो है थोड़ा सा बल्की आपको लग सकता है। डिस्प्ले जो है सिंगल हैंड यूसेज बहुत डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा आएगा भाई साहब, क्योंकि 6.74 इंचेस का जो डिस्प्ले दिया गया है वहां पर आपको 1.5K रेजोल्यूशन मिलेगा एंड 10 बिट का AMOLED पैनल मिलेगा, मतलब 1 बिलियन के आसपास आपको कलर्स मिलेंगे। HDR कंटेंट देखने में आपको मजा आएगा, व्यूइंग एंगल्स बढ़िया रहेंगे, ब्लैक्स विल बी डीप ब्लैक्स, सो यस कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले बढ़िया रहने वाला है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो आपको मिलेगा, 451 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन रहेगा, साथ ही साथ HDR10+ का भी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। सो कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले आउटस्टैंडिंग रहेगा। ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे, 2150 nits की ब्राइटनेस आपको मिलेगी, सुपर ब्राइट डिस्प्ले रहेगा भाई साहब, डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आप यूज करेंगे आराम से यूज कर पाएंगे, वहां पर आपको शिकायत नहीं आएगी। एंड बात करेंगे रिफ्रेश रेट की, तो 120 हर्ट्ज का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा, तो स्मूथनेस भी आपको सॉलिड मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया है भाई साहब, डिस्प्ले क्वालिटी कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए अच्छी है, ब्राइटनेस अच्छी है, स्मूथनेस अच्छी है, तो डिस्प्ले में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, इस फोन के अंदर आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 चिपसेट, और ये जो चिपसेट है रिसेंटली लॉन्च किया गया है एंड 8S Gen 2 से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। यस, 8 सीरीज के चिपसेट से थोड़ा सा पावरफुल है। ये जो चिपसेट है 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट रहेगा, हीटिंग का इशू आपको कम देगा, थर्मल मैनेजमेंट फोन का बढ़िया रहेगा, साथ ही साथ इस फोन के अंदर भी आपको डेडिकेटेड कूलिंग चेंबर भी दिया जाएगा, तो हीटिंग वगैरह का इशू फोन के साथ में आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2.8 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है एंड आर्म कॉर्टेक्स X4 वाला कोर यहां पर आपको मिलता है, मतलब डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको सॉलिड मिलेगी, मल्टीटास्किंग आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 732 GPU यहां पर आपको मिलता है, जो कि मक्खन गेमिंग भी आपको करा देगा, अप टू 90 FPS की गेमिंग कराने का केपेबल चिपसेट है, तो गेमिंग की परफॉर्मेंस, ग्राफिक रिलेटेड परफॉर्मेंस दोनों आपको सॉलिड मिलने वाली है। साथ ही साथ LPDDR5X RAM यहां पर आपको मिलेगा एंड UFS 4.0 वाला स्टोरेज टाइप आपको मिलेगा, मतलब रीड राइट की स्पीड भी अच्छी मिलेगी, रैम मैनेजमेंट भी बढ़िया रहेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी, परफॉर्मेंस आपको सॉलिड मिलने वाली है। बात करेंगे कैमरा सेटअप के बारे में, दो कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ दिया गया है। प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जहां पर आपको मिलेगा सोनी IMX882 सेंसर, अच्छा सेंसर है, अच्छी इमेजेस कैप्चर करता है, साथ ही साथ यहां पर आपको OIS का सपोर्ट भी दिया जाएगा एंड साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, जहां पर आपको मिलेगा सोनी IMX355 सेंसर। सो रेयर कैमरा सेटअप आपको बढ़िया मिलने वाला है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा अच्छे सेंसर के साथ में है, ठीक ठाक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी
दिया गया है। रेयर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 60 FPS। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 60 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, OnePlus Nord सीरीज का कैमरा सेटअप अच्छा रहता है, OnePlus का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़िया रहता है। सो आई वुड से कैमरा सेटअप यहां पर आपको बढ़िया मिलने वाला है, कैमरा में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे बैटरी के बारे में, बड़ी बैटरी दी गई है भाई साहब, 5500 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है। डेडली कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है, 5500 mAh की बैटरी है, 4 नैनोमीटर का चिपसेट है, AMOLED का डिस्प्ले है, मतलब बैटरी कंजप्शन कम रहेगा नॉर्मल यूसेज पर। 1.5 दिन का बैकअप ये जो बैटरी है आराम से आपको निकाल करके देगी। 8 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम ये जो फोन है आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो बैकअप में आपको शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ 100 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा एंड 100 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया जाएगा। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल आपको अच्छा मिलने वाला है, बैटरी का साइज अच्छा है, बैकअप आपको अच्छा मिलेगा, चार्जिंग स्पीड आपको अच्छी मिलेगी, चार्जर भी आपको इनबॉक्स दिया जाएगा। तो मुझे लगता है बैटरी में आपको शिकायत नहीं आएगी, बैटरी मॉड्यूल बढ़िया दिया गया है। चार्ज करने के लिए USB टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5 mm का खड्डा इस फोन के अंदर नहीं दिया जाएगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर की अगर बात करेंगे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स मिलेंगे, NFC का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, साथ ही साथ अलर्ट स्लाइडर भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, उसको गायब नहीं किया जाएगा, ये काफी अच्छी बात है। बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड्रॉइड 14 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, तो लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा, साथ ही में ऑक्सीजन OS 14 आपको मिलेगा। एंड अपडेट्स की अगर बात करें तो 3+4 ईयर के अपडेट्स यहां पर आपको मिल सकते हैं, जहां पर 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स आपको मिल सकते हैं एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी OnePlus आपको देगा। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर वाइज बढ़िया फोन रहने वाला है, सॉफ्टवेयर में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी यहां पर आपको मिलेंगे, तो ऑडियो क्वालिटी बढ़िया रहेगी, ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, लाउड इनफ रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, साथ ही साथ डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो फोन का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा, तो वहां आपको शिकायत नहीं आएगी। प्लस कार्ड स्लॉट की अगर बात करेंगे, ऑब्वियसली कार्ड स्लॉट यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा, 2 नैनो सिम आप लगा पाएंगे, लेकिन एक्सपेंडेबल स्टोरेज तो भाई साहब यहां पर आपको नहीं मिलती है। बात करेंगे वेरिएंट्स के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, OnePlus S3V नाम से चाइना में लॉन्च हुआ है ये स्मार्टफोन, 12+256, 12+512 एंड 16+512 तीन वेरिएंट्स में। बेस वेरिएंट का प्राइस है 2000 चाइनीज युआन, 2000 चाइनीज युआन, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट अगर करें तो बनते हैं मात्र 23,500 रुपए। एक्सपेक्टेशंस ये मत रखना कि ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में 23,500 रुपए पर लॉन्च किया जाएगा। ये स्मार्टफोन पहली बात इंडिया में बेस वेरिएंट हो सकता है 8GB+256GB एंड बेस वेरिएंट का प्राइस समवेयर अराउंड 32-33 इंडिया में रहेगा, 32 से 33 हजार के बीच में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। मेरे हिसाब से एक अच्छा स्मार्टफोन रहेगा, 32-33 हजार में OnePlus का भरोसा मिलता है एंड ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में एक अच्छा ऑलराउंडर पैकेज आपको मिल जाता है। सो यस, 32-33 थाउजेंड पर अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है, आई वुड से एक बढ़िया चॉइस रहेगी एंड यस, इस फोन का वेट किया जा सकता है। लेकिन आप मेरे को कॉमेंट करके बताओ भाई कि आपके क्या विचार है इस फोन के बारे में, ये फोन इंडिया में आने वाला है, किस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।